देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वास्तु का सच सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तो चलिए सबसे पहली बात, हमारा जो तक एप्लीकेशन है उसे गूगल प्ले से या प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करें और हमारे वीडियो शेयर करें, यूट्यूब और फेसबुक पर हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं। कहीं आप भी तो सोते समय ये गलती नहीं कर देते हैं, अन्यथा हो सकते हैं अनिद्रा का शिकार। मित्रों और एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को आपको बताना चाहूंगा, व्यक्ति दिन भर काम करता है और उसके काम करने का मकसद होता है रात का चैन और दिन का सुकून, और ये दोनों चीज़ें जो मिलती हैं ये मिलती हैं निद्रा से, यानी कि नींद से। अगर नींद नहीं आए व्यक्ति को तो आदमी कितना परेशान हो सकता है, और नींद आदमी को उसके घर में आती है, उसका सुकून उसको घर में मिलता है, उसको मन की शांति मिलती है नींद से। और आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कहीं अगर ऐसा हो कि आपको नींद ना आए, इंसोमनिया की शिकायत हो जाए, तो ये जीवन कितना ज़्यादा ग्रसित हो जाएगा, कितना ज़्यादा समस्या आ जाएगी इस जीवन में। और अक्सर आजकल यही हो रहा है, डिप्रेशन तो है ही है जिसके कारण से अनिद्रा आ जाती है। इसके साथ साथ एक समस्या और हो जाती है और वो है समस्या अनिद्रा की। ऐसे में आपको नींद ना आने का कारण आपके घर का वास्तु दोष भी हो सकता है, और ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ वास्तु दोष होता है, ये वास्तु दोष कई कारणों से इमर्ज हो सकता है। देखिए, नींद के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट वास्तु पुरुष का भाव होता है वो होता है आपका 12वां भाव। 12वें भाव से दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो देखा जाता है बेडरूम जहां आप निद्रा करते हैं, दूसरा देखा जाता है छत। और वास्तु के दृष्टिकोण से तीन दिशाओं में नींद का भेद छुपा है। पहली दिशा जहां आप टांगे करके सोते हैं, दूसरी दिशा जहां आपका सर होता है, और तीसरी दिशा आपके घर की छत होती है। तो ये ट्रायगोनल एक्सिस है। अगर व्यक्ति की टांगे इस तरफ हैं और इसका सर अगर इस तरफ है तो ये ट्रायगोनल एक्सिस पे काम करता है, क्योंकि हमारा अगर सर ऊपर की तरफ है, आकाश की तरफ है, तो ये ट्रायगोनल एक्सिस पे काम करेगा। तो एक तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके घर की छत साफ हो, उस पर किसी भी तरीके का ईंधन और या अटाला ना पड़ा हो, गैस के खाली सिलेंडर ना पड़े हों। दूसरी स्थिति ये कि आपका जो बेडरूम है उसमें कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, हाथी के चित्र नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा चटकीले कलरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके बेडरूम में कुछ ऐसी चीज़ें ना हों जो बेवजह आपकी नींद में खलल पैदा करें। बहुत ज़्यादा बड़े कांच, और वो ऐसे कांच उस डायरेक्शन में लगे हुए जहाँ से आपका बेडरूम दिखाई देता हो। साथ ब साथ के अंदर किसी भी तरीके के हाथी के और पिक्चर्स या हाथी की प्रिंट वाली चद्दर, ऐसी चीज़ें आप अपने बेडरूम में कभी भी ना रखें। आर्टिफिशियल फ्लावर्स अपने बेडरूम में कभी ना रखें। साथ ब साथ के अंदर एक ध्यान दें कि जब कभी भी आप सोएं आपके पाँव नॉर्थ की तरफ हों, ये बेस्ट आइडियलिस्टिक पोजीशन होती है सोने के लिए, या आपके पाँव नॉर्थ ईस्ट की तरफ हों, ये बेस्ट सेकंड बेस्ट सिचुएशन है सोने के लिए। और एक बात का बहुत बड़ा ध्यान रखें, एक गलती जो अमूमन सारे लोग करते हैं वो ये करते हैं कि खिड़की कहीं से भी निकलवा लेते हैं और जगह को बचाने के लिए एकदम से बेड के पीछे खिड़की को खुलवा लेते हैं, जिसके कारण से आपकी जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं डंप हो जाती है। ऑरा डंप होने के कारण
एक विशेष चीज़ ये रहती है कि आपके नींद में बड़े डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं, और ऐसे केसेस में जहाँ कहीं भी आपके सर के पीछे अगर खिड़की खुली हुई है तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके बेड के पीछे खिड़की है भी तो उस पर पर्दा ज़रूर लगावाओ। अब एक वास्तु का खास उपाय, अगर आप भी नींद ना आने की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको एक विशेष तौर पर ध्यान देने चीज़ ये होगी कि आप पीस ऑफ माइंड के लिए एक विशेष उपाय करें। वो ये करें कि आप एक कांच की बोतल में 4 रेनबो लेबराडाइट यानी कि चंद्रकांता मणि गंगा जल में डालकर अपने सर के पीछे रखें, तो उससे जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी और आपको चैन की नींद आएगी। मित्रों, ऐसे ही वास्तु टिप्स के लिए आप हमारा टक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या डाउनलोड सेंटर से डाउनलोड करें, और हमारे वीडियोस और हमारे सब्जेक्ट्स को फॉलो करें, शेयर करें, हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में। तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप।